सो दिस वीडियो इज एज पर द डिमांड फ्रॉम वेरियस स्टूडेंट्स एंड द पेरेंट्स. उन्हें अभी भी बहुत डाउट था जॉर्जिया के बारे में कि क्या मेडिसिन फॉलो करना सही रहेगा जॉर्जिया में, कि क्या इंस्टीट्यूट NMC गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हैं कि नहीं. तो ये सब की वजह से, क्योंकि बहुत सारी जो नई गाइडलाइंस आई 2021 के बाद, जॉर्जिया ने अपना एक रिवाइज एडवाइजरी डाल दी थी जिसमें हर चीज़ उन्होंने मेंशन किया है, और लकीली ये सारे नॉर्म्स फॉलो कर रही है. तो जो भी बच्चे इन इंस्टीट्यूट से पढ़ेंगे, स्पेशली सर्टेन इंस्टीट्यूट्स, द रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स इन जॉर्जिया, वहाँ से वो फिर इंडिया में एलिजिबल है अपने नेक्स्ट एग्जाम देने के लिए, या वो बाहर जाके USMLE, UKMLE या FSP एग्जाम फॉर जर्मनी, ये सब के लिए एलिजिबल है मास्टर्स करने के लिए. सो मैं एक सीरीज बना रहा हूँ, सारे इंस्टीट्यूट को हम डिटेल एनालिसिस करेंगे. सो दिस टाइम आई एम गोना डिस्कस अबाउट द Tbilisi यूनिवर्सिटी. इट्स अ पब्लिक यूनिवर्सिटी, सो जस्ट सिट एंड वॉच द वीडियो एंड यू विल गेट all the details for this institution, and if you want you can join this institute and be a part of it, and you can avail all the benefits out of it. Congratulations to Tbilisi Student Athletic University. Tbilisi State Medical University was established in the year 1918, और तब से ही उसने बहुत ही अच्छे डॉक्टर्स प्रोड्यूस किए हैं. इट्स वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज इन जॉर्जिया, और यहाँ पर हम मान के चले तो लगभग 7,000 से ऊपर अंडर ग्रेजुएट और 3,000 से ऊपर पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं जो इसमें ऑलरेडी पढ़ रहे हैं. मेडिकल फील्ड में भी इसके बहुत सारे ब्रांचेज हैं, स्पेशली ये MBBS कोर्सेज के लिए जाने जाते हैं. सो द एजुकेशन सिस्टम इन Tbilisi यूनिवर्सिटी, दे ऑल्सो फॉलो द ECTS सिस्टम, द यूरोपियन क्रेडिट ट्रांसफर सिस्टम, जहाँ पर आपका हर पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे 60 मतलब सेमेस्टर वाइज डिवाइड हो जाएंगे आपके स्कोर 60 पर सेमेस्टर. इन टोटल 360 क्रेडिट स्कोर्स होंगे. ये चीज़ एक्सेप्टेड है ऑल ओवर यूरोप में, जैसा मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया. इसके अलावा एक्रीडेशन ऑन रिकॉग्निशन, ये चीज़ मैं आपके स्क्रीन पर डाल दूंगा, तो आप देख सकते हैं ये यूनिवर्सिटी कहाँ कहाँ से रिकॉग्नाइज है. और एक और चीज़ मैं फिर से एम्फोसिस करना चाहूँगा, दिस यूनिवर्सिटी ऑल्सो हैज Erasmus प्रोग्राम, एंड आई हैव एक्सप्लेन्ड अबाउट Erasmus प्रोग्राम इन वेरियस वीडियोस, कैसे आप बेनिफिट्स ले सकते हैं, कैसे आप Erasmus प्लस स्टूडेंट बन सकते हैं, कैसे आप शामिल हो सकते हैं यूरोपियन फंडेड वेरियस क्लिनिकल प्रोग्राम्स इन योर क्लिनिकल ईयर्स. आप अलग अलग कंट्री में ट्रैवल कर सकते हैं, 20 से 30 दिन का क्लिनिकल एक्सपोजर मिलता है मोस्टली अलग अलग यूरोपियन या शेंगन कंट्रीज से. So this is a great opportunity for you guys. So future after completing the course from this institution, आपके पास सारे दरवाजे खुले हैं मास्टर्स के लिए. वेदर आपको इंडिया, अब तो वैसा इंडियंस के लिए ऐसा है, आपको मास्टर्स भी करना है अगर यूरोप में जाना है तो आपको नेक्स्ट भी क्लियर करना होगा, साथ ही साथ लाइसेंस लेनी पड़ेगी जिस कंट्री में आप पढ़ रहे हैं, तो वो तो ये इंस्टीट्यूट आपको प्रोवाइड करेगी. आप अगर अपना फाइनल एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि बिना पढ़े आपको लाइसेंस मिल जाएगी, तो इस चीज़ में ना रहिए. लेकिन ये बात है कि आपको 6 years ही पढ़ने हैं, ये कि नहीं कि 9 साल पढ़ना पड़ेगा. बहुत बच्चे कन्फ्यूज हो रहे हैं कि 9 साल पढ़ना पड़ रहा है, एक्चुअली वो चीज़ है PG प्रोग्राम के लिए, वहाँ पर आपको सेटल होना है और अगर आपको वहाँ काम करनी है तो वो एक सेपरेट चीज़ है. लेकिन अगर आपको इंडिया में आकर नेक्स्ट एग्जाम देना है तो जस्ट आपको अपना कोर्स कंप्लीट करना है जूनियर डॉक्टर बन के, आपको जो लाइसेंस मिलेगा उस बेसिस पे आप इंडिया में आकर अपना नेक्स्ट एग्जाम दे सकते हैं और अपना सीट अवेल कर सकते हैं इंडिया में PG के लिए. और अदरवाइज ये नेक्स्ट एग्जाम देने के बाद आपको अगर मास्टर्स करनी है कोई रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज इन यूरोप, तो यू हैव ऑप्शंस इन USA, यू हैव ऑप्शंस इन UK, यू हैव ऑप्शंस इन जर्मनी एज वेल. सो इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी बिकॉज बहुत बच्चे इस इंस्टीट्यूट से मेजरली दीज एग्जाम्स जो कि रिपीटेड एग्जाम्स है उसे क्रैक करते हैं और अपना प्रोफेशन फॉलो करते हैं. सो दिस वॉज अ शॉर्ट साइन अप फॉर द यूनिवर्सिटी. आई होप आपके मेजर डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, और आपको कुछ कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए यू कैन ऑलवेज कनेक्ट विद मी थ्रू माई वेबसाइट, थ्रू माई इंस्टाग्राम चैनल, व्हाट्सएप,
यू कैन फाइंड अस देयर. और उसके अलावा मैं अब रेगुलर हूँ तो वीडियोज पोस्ट करता रहूँगा नए नए इंस्टीट्यूशन का. फिर भी आपको कोई पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट पर ज़्यादा एनालिसिस चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पर डाल सकते हैं. और उसके अलावा और कोई डाउट है यू नो व्हाट टू डू, एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बिकॉज योर दिस थिंग विल गिव मी अ ग्रेट मोटिवेशन टू कीप मेकिंग दीज वीडियोज, दीज हेल्पफुल वीडियोज. बिकॉज बच्चे बहुत कन्फ्यूज होते रहते हैं, उनको समझ आता नहीं है कि क्या इंस्टीट्यूट क्या प्रोवाइड कर रहा है क्या नहीं कर रहा है. मेजरली वेबसाइट्स ऐसे होते हैं कि बहुत ज़्यादा फ्लरिश करते हैं, कुछ वेबसाइट्स को एजेंट्स भी ऐसे होते हैं कि कुछ पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट को ही प्रमोट करते रहते हैं. तो ये चीज़ पर ना ध्यान दें, आप खुद अपना रिसर्च करना चाह रहे हैं, सीखें कि क्या यूनिवर्सिटी के स्टार्ट्स क्या हैं. आपको हमेशा ध्यान रखना है कोई बंदा क्या बता रहा है कि ये टॉप यूनिवर्सिटी है ये है, तो उस जगह कभी नहीं जाना है. आप खुद से रिसर्च करना है क्या रेशियो है, क्या पासिंग रेशियो है, बच्चों का फ्यूचर गोल वहाँ से क्या पूरा हो पा रहा है, बच्चे मास्टर्स के लिए वहाँ से जा पा रहे हैं, जितने भी एप्लीकेंट्स वहाँ से ग्रेजुएट हो रहे हैं क्या उन्हें मौका मिल रहा है कुछ अच्छे इंस्टीट्यूशन में शामिल होने का या रिसर्च प्रोग्राम में शामिल होने का या कहीं प्रैक्टिस करने का. तो ये चीज़ आप खुद से देखिए, आपको इस चीज़ के लिए किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं है. सो जस्ट थिंक अबाउट इट एंड यू नो व्हाट टू डू.